الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العلي العظيم मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں اور گزشتہ کچھ جمعوں سے علم غیب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے مخالفین کی طرف سے جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان کے جواب دے رہا تھا جب میں نہیں آیا تھا نعت خوانی ہو رہی تھی اس وقت یہ گڑبڑ کیوں نہیں تھی پہلی بات یہ تھی کہ غیب اللہ کی صفت میں نہیں پائی جا سکتی دوسری قرآن کی کچھ آیتیں یہ کہتی ہیں کہ علم غیب اللہ کے لیے خاص ہے
तीसरी बात ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी खबर भी नहीं थी कि उनके साथ क्या मामला होगा, माअज़ल्लाह। चौथी बात कि वो लोग जो ईमान लाकर फिर गए थे मुर्तदीन, कयामत के दिन हुजूर को उनका इल्म नहीं होगा। हौज के पास आते हुए कुछ लोग रोके जाएंगे तो हुजूर फरमाएंगे उसहाबी, ये तो सहाबी हैं मेरे। तो मलाइका फरिश्ते कहेंगे कि आपको नहीं पता इन्होंने आपके बाद क्या किया, यानी मुर्तद हो गए। पांचवीं बात, बहुत से वाकयात ऐसे हैं जिनमें आप बेखबर थे। मसलन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हार गुम हुआ, सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया क्या आपने बकरियां चराई हैं, जिससे आपको इल्म है कि पीलू के स्या फल अच्छे होते हैं। इनके मैं आपको जवाब सुना रहा था, पिछले जुम्मे भी सुनाए थे, खुलासा पेश करते हुए आगे चलता हूँ। पहले सवाल का जवाब ये कि जैसे गैब अल्लाह की सिफत है, ऐसे ही इल्मे शहादत भी अल्लाह की सिफत है, क्योंकि आलिमिल गैबी व शहादा दोनों लफ्ज आए हैं। बल्कि आपको बता चुका हूँ मुतलकन समा बसर हयात ये सब अल्लाह की सिफात हैं। सुनना अल्लाह की सिफत, देखना अल्लाह की सिफत, जिंदा होना अल्लाह की सिफत। तो फिर चाहिए कि किसी में भी इल्मे गैब ना मानो, ना इल्मे शहादत मानो, ना सुनना मानो, ना देखना मानो, ना जिंदा मानो किसी और को फिर, क्योंकि ये सारी अल्लाह की सिफात हैं। तो बात यह है, मैं बता चुका अल्लाह का हर कमाल उसका अपना है, जाती है। मखलूक को अल्लाह की अता से हासिल है, मखलूक के पास अपना कमाल नहीं है। यही बात इल्मे गैब में है। मैंने आपको मिसाल दी थी अल्लाह का नाम अली है, हजरत अली का नाम भी अली है, मगर दोनों के मानी माने एक जैसे नहीं। तो ये खुलासा पेश कर रहा हूं। दूसरा सवाल कि कुछ आयतों से मालूम होता है कि गैब अल्लाह के लिए खास है, तो मैंने आपके सामने मिसाल में आयतें रखी थी। मसलन एक आयत रखी थी इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है, तो फिर किसी और का हुक्म होना चाहिए। आप दूसरे से क्या कहते हैं, हुक्म फरमाएं जनाब, क्यों कहते हैं फिर ये। उसी कुरान में जहां ये है वहां है अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, उसी कुरान में है वइज़ा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुमू बिल अदल, बात फिर वही आ गई। इसी तरह लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है, अल्लाह का है। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है, ये मेरी चीज है। तो अगर कहो नहीं तो फिर जकात कैसे वाजिब होगी, जब तक मालिक नहीं होंगे जकात होगी। अगर आप मालिक के निसाब नहीं हैं तो क्या जकात लाजिम होगी। तो वो लोग जो एतराज करते हैं वो जाती और अताई समझते नहीं। सवाल नंबर तीन ये कि हुजूर को अपनी भी खबर नहीं थी कि मेरे साथ क्या मामला होगा, माअज़ल्लाह। और कहते हैं ला अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम,
बुखारी में है, हुजूर ने कहा मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। मैंने आपको लफ्ज़ अदरी अदरा ये समझा दिया था, ये दिरायत से है, अटकल, अंदाज़ा लगा के, अकल से जोड़ तोड़ करके मालूम करना। तो हुजूर का ला अदरी कहना का मतलब क्या है कि मैं अंदाजे से नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, मुझे तो रब ने वही दे के सब कुछ बता दिया है। तो अदरी को नहीं समझेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो मैं इसकी आपको मिसालें सुना चुका हूं। उसी कुरान में जिसकी आयतें पढ़ के तुम कहते हो कि नबी को इल्म नहीं था मेरे साथ क्या होगा, तो उसी कुरान में नहीं है वला सौफा युती का रब का फतरदा, और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, नहीं है उसी कुरान में? क्या उसी कुरान में नहीं है तआलौ यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, तुम्हें बुलाया जाता है कि आओ अल्लाह का रसूल तुम्हें बख्शवाए। तो जो ये कहते हैं नबी को खबर नहीं थी, खुद इनको खबर ऊंची गई ये नहीं। उसी कुरान में है वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम व अंता फीहिम, ए महबूब आप इनके दरमियान मौजूद हैं इसलिए अल्लाह इन पर अजाब नहीं करता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कितनी हदीसें हैं, उनमें से मैं आपको पिछले जुम्मे सुना चुका, हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। आदमु वमन दूनहू तहत लिवाई, आदम अलैहिस्सलाम और उनके सिवा सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। मैं अल्लाह के अर्श के सामने जाकर सजदा करूंगा, अल्लाह की हम्द करूंगा, फिर अल्लाह ताला मुझे फरमाएगा अपना चेहरा उठाओ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। ये सब बयान इनको नजर नहीं आते, क्योंकि ये नबी की शान मानने को तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भी जानते हैं कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। मैंने आपको हदीस शरीफ सुनाई थी, हुजूर के हाथ में दो किताबें, एक दाएं हाथ में एक बाएं हाथ में, फरमाया जन्नतियों की लिस्ट बन चुकी, टोटल हो चुका, मीजान हो चुका, कमी बेशी नहीं होगी, ये जन्नतियों के नाम है और ये दोजखियों की लिस्ट है, इसका भी टोटल हो चुका, मीजान लग चुका। तो रब ने खबर दी या नहीं दी? ऊंची कही ये, वो दूसरों को जन्नत अता करें, तुम जन्नती और खुद अपना पता ही नहीं है, कैसी बात है? तो ये एतराज करने वाले खुद कुछ जानते नहीं। मैंने आपको बता दिया था इसके जवाब में कि हुजूर का वाजे उसमें कुरान में है इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, कि मुझे तो वही की जाती है, अल्लाह सब कुछ बताता, मैं खुद से अंदाजा नहीं लगाता, मेरी खबर यकीनी है क्योंकि रब ताला की बताई हुई है। उनका चौथा सवाल था कि कयामत के दिन कुछ बंदे रोके जाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज पर नहीं आने दिए जाएंगे, तो फरमाएंगे हुजूर उसी हाबी, ये तो मेरे छोटे छोटे साहबी हैं, तो फरिश्ते कहेंगे आपको नहीं पता, फिर वही अल्फाज हैं ला तदरी मा अहदसु बादका, आपको नहीं पता आपके बाद इन्होंने क्या किया, फिर वही तदरी का लफ्ज है। अब सुने इसका जवाब भी मैं सुना दूं आपको। दुनिया में ये खबर के कयामत के दिन कुछ बंदे हौज पर आने से रोके जाएंगे और हुजूर फरमाएंगे उसे हाबी, तो फरिश्ते आगे से क्या कहेंगे, ये बयान किसका है? ये खुद नबी तो बता रहे,
ये बयान किसका है? खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि ऐसा होगा, तो हमें बता रहे हैं, खुद को मालूम नहीं है। ये एतराज करने वाले सोचे कि ये खबर कौन दे रहा है, खुद हुजूर बता रहे हैं तो क्या वो भूल जाएंगे, उन्हें पता नहीं है? कयामत में तो मैंने आपको कहा था कि हर शख्स जन्नती और जहन्नमी को पहचानेगा। बताया था आपको या नहीं बताया था पिछले जुमे? चुनाचे मैंने आपको बताया था, निशानी क्या होगी कि जन्नतियों के चेहरे चमकते होंगे, दोजखियों के चेहरे स्याह होंगे, काले होंगे। और जन्नतियों को नामाए आमाल दाएं हाथ में मिलेगा, दोजखियों को बाएं हाथ में मिलेगा। तो मुसलमानों का जिस्म, ये जो वुजू करते हैं आप, जितने आजाद होते हैं उसका मुंह हाथ वगैरह, ये चमक रहे होंगे, जहन्नमी इससे महरूम होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के लिए फरमा रहे हैं और खुद को पता नहीं हो, ये बात क्या समझी जा सकती है? तो एतराज करने वालों की अपनी अकल ठिकाने नहीं है। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया था कि बच्चे शफाअत करेंगे, हाफिज़े कुरान जिसको आप कहते हैं, जो कुरान याद कर ले ईमान वाला और उसको याद रखे, वो अपने खानदान के 10 अफराद की शफाअत करेगा जो अपने अमलों के सबब जहन्नमी होंगे। तो उसको पता होगा ना कि कौन है वो 10 जहन्नमी, पहचानेगा तो ही करेगा ना, पूछ रहा हूं आपसे, पहचानेगा तो। और हाजी, ईमान वाला हाजी जिसने हज करके हज बाकी रखा होगा, वो 70 और एक रिवायत के मुताबिक 200 की शफाअत करेगा, तो पहचानेगा तो करेगा ना, पूछ रहा हूं आपको। नहीं पता होगा कि कौन है जो इस लायक नहीं है, तो वो पहचाने और नबी ना पहचाने, कैसी बात है? तो ये एतराज करने वाले अगर अकल रखते तो एतराज ना करते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब उनका ये कहना कि बहुत से वाकयात ऐसे हैं हुजूर को खबर नहीं थी, मसलन हजरत आयशा सिद्दीका का हार गुम हो जाना, अगर हुजूर को पता होता पहले ही बता देते। आओ वाकया फिर सुना देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, सफर में जाते हुए एक बीवी को साथ रखते थे, इसकी बहुत सी हिकमतें थी। ज्यादातर हजरत आयशा सिद्दीका आपके साथ होती, किसी और की भी बारी होती तो वो बीवी कुर्बानी दे देती और कहती कि हजरत आयशा चली जाएं। ऊंट के ऊपर जिसको आप पालकी कहते हैं, वो पलान बनाया जाता था पर्दे वाला, उसमें वो तशरीफ फरमा होती थी, जहां कहीं रुकते वो पालकी उतार कर नीचे रख दी जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह ठहरे, कयाम फरमाया, जब जाने लगे तो हजरत आयशा ने कहा मेरा हार गुम हो गया, जो मैंने हार पहना हुआ था कहीं गिर गया है, गुम हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा की गोद में सर रखकर आराम का इरादा किया और सहाबा को फरमाया यहां ढूंढो। सहाबा को हार ढूंढने में मशगूल कर दिया, हुजूर आराम फरमा रहे हैं, जिस जगह ठहरे थे वहां पानी नहीं था और सहाबा ये चाह रहे थे कि हम जल्दी यहां से आगे जाएं, आगे नमाज का वक्त हो जाएगा, हमें वुजू के लिए और दूसरी चीजों के लिए पानी चाहिए होगा, यहां पानी नहीं है तो हम जल्दी से यहां से सफर करें ताकि किसी ऐसी जगह पहुंचे जहां पानी मिल सके। अब हार गुम हो गया है, अब वो हार ढूंढ रहे हैं,
उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, तो एतराज तो कोई कर नहीं सकता था। कुछ सहाबा के मुंह से निकला कि हार ने भी इसी वक्त गुम होना था, इन्होंने हार संभाला क्यों नहीं, हमें पानी चाहिए, अब इनके हार की वजह से यहां अगर देर हो गई तो पानी कहां मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा की गोद में सर रखे आराम फरमाया, हजरत अबू बकर ने आकर अपनी बेटी, हजरत आयशा उनकी बेटी है तो उनको हाथ से हल्का सा जैसे टोका देते हैं, तूने क्यों नहीं संभाला अपना हार। अब वो हिल भी नहीं सकती हैं कि हुजूर गोद में सर रखा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, सहाबा को हार नहीं मिला, इधर पालकी उठाई, नीचे से हार निकल आया। इतनी देर में हजरत जिब्रील तयम्मुम की आयत लेकर आ गए, अल्लाह अकबर यार, क्या मुसलमानों कभी तुम्हें ऐसा हो कि पानी ना मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो तो वही तुम्हारे लिए तहारत के हुक्म में होगा। तो वो जितने सहाबा उस वक्त तक परेशान हो रहे थे हजरत आयशा पर, वो अपना गुस्सा निकालना चाह रहे थे कि इनका हार गुम हो गया और हम, वो सब उनको दुआएं दे रहे थे। हुजूर को पता था कि आयत आनी है, उनको लगा दिया ताकि टाइम गुजर जाए और आयत आ जाए। तो ये बेखबरी की बात है या बाखबरी की बात है? पता था कि आयत आनी है तो दूसरी तरफ जिधर हार नहीं था उधर ढूंढने पे लगा दिया, खुद आराम फरमा रहे हैं ताकि जिब्रील के आने का वक्त हो जाए। तो जिसको तुम बेखबरी कह रहे हो हकीकत में तो वो बाखबरी है। आई समझ में बात? अच्छा, अगर ये ना होता तो तयम्मुम का हुक्म मिलता? वो सारे ही सलाम कर रहे थे हजरत आयशा को, ये आपकी पहली मेहरबानी नहीं है, ये आपकी वजह से पूरी उम्मत को आसानी मिल गई है, ना आपका हार गुम होता ना ये मिलता तो